अभी की बड़ी खबर, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा, यह टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से। कोलकाता का केस चौंकाने वाला है। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट से पहले पोस्टमार्टम कैसे, यह एक बहुत गंभीर सवाल पूछा गया। इसके अलावा 9 अगस्त की रात 11:45 पर एफआईआर क्यों, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। पहले पोस्टमार्टम फिर एफआईआर, हैरान हूं यह कहा जज ने। अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई अब होनी है। आपको बता दें कि इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जब पहली सुनवाई हुई थी उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज यानी गुरुवार को इस मामले में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे। आइए सीधे मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ वो तो जरूर आप बताइएगा, लेकिन खास बात यह कि जिस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल कई गंभीर खड़े किए हैं, उससे पूरी जो जांच एजेंसी है वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है, यहां पर मतलब कलकत्ता पुलिस से है। जी बिल्कुल। देखिए दरअसल हुआ ये कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दी अभी तक की जांच की, और साथ साथ केस डायरी पश्चिम बंगाल पुलिस ने दी जो शुरू के 5 दिनों में उसने जांच की थी। जजों के सामने दोनों बातें थी और जजों ने पाया कि जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ही उल्टी सीधी है, यानी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सुबह 5:50 पर शव मिला, या ये कहिए कि अवचेतन अवस्था में एक लड़की ट्रेनी डॉक्टर वहां पर मिली, ऐसा कहा गया। लेकिन पुलिस के पास जो केस डायरी में जो दर्ज किया है उन्होंने जनरल रजिस्टर में, सुबह 10:10 का, यानी 5 घंटे का समय यहां बीत जाता है। उसके बाद आखिरकार पुलिस जब एफआईआर करती है रात को 11:45 पर, शाम को 7:15 पोस्टमार्टम खत्म होता है, उसके बाद घटनास्थल को सील करती है पुलिस, यानी 14-15-16 घंटे कीमती घंटे बर्बाद किए पुलिस ने। इस पर कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए और जस्टिस पारडी वाला जो बेंच के सदस्य थे उन्होंने कहा 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैंने पुलिस का ऐसा आचरण कभी नहीं देखा, ये कोई नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकर आए हैं क्या, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में तो ऐसी प्रक्रिया है नहीं। और इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा था पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।